सैनिक कल्याण निगम प्रार्सी का बाबू प्रशांत सिंह निकला महाठग। नौकरी दिलाने के नाम पर दर्जनों से लाखों रुपए ठगा, निगम ने बाहर का रास्ता दिखाया। प्रशांत सिंह पत्रकार बनकर नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों का कर रहा वसूली, खाते में फूटी कौड़ी नहीं दे रहा चेक हुआ बाउंस। पीड़ित एसपी थाना को तहरीर देकर मांग रहे न्याय। चंदौली से बड़ी खबर आ रही है, चंदौली में प्रशांत सिंह नौकरी दिलाने के नाम पर दर्जनों लोगों से लाखों रुपए ठगा। शिकायत मिलने पर निगम ने बाहर का दिखाया रास्ता। प्रशांत सिंह पत्रकार बनकर नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से कर रहा है खुलेआम ठगी, खाते में फूटी कौड़ी नहीं दे रहा है लोगों को चेक हुआ बाउंस। पीड़ित एसपी और थाना को तहरीर देकर मांग रहे न्याय। तथा कथित पत्रकार महाठंग नटवर लाल पर पुलिस है मेहरबान, पीड़ित का मुकदमा नहीं लिख रही। सदर कोतवाली चंदौली ग्राम मझवार का है नटवर लाल प्रशांत सिंह। तो चंदौली से बड़ी खबर आ रही है, चंदौली में महाठग प्रशांत सिंह नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगा। प्रशांत सिंह को दिए थे पैसा, चैनल में भर्ती करा रहे थे, वो पहले निगम में बाबू थे तो उनके उसी विश्वास पर हम लोग पैसा दे दिए उनको। कितना पैसा दिए? हम 2 लाख दिए, 2 लाख हमारे गार्ड लोग और दिए हैं, 4 लाख टोटल पैसा हम लोग दिए। तो हम लोग को जब दौड़ने लगे पैसा के लिए नहीं काम हुआ तो बोले कि चेक ले लो अपना जाके निकाल लेना हमारे खाते में से। गए तो वहाँ खाते में 0 बैलेंस हो गया, उनके 1 रुपया भी नहीं था। कितने का चेक दिए थे? 2 लाख को हमको दिए, 2 लाख और साहब हमारे सुपरवाइजर हैं उनको दिए। अच्छा, जो 4 लाख आप लोग दिए थे सबका चेक दे दिए? जी जी, 2 लाख का 2 चेक दिए। चेक बाउंस हो गया? चेक बाउंस हो गया सर। बाउंस होने के बाद इसकी शिकायत नहीं किए कहीं? शिकायत किए थे कोतवाली में, तो CO थे चंडेल साहब उस समय, तो वो बोले कि ठीक है मिल जाएगा, बोल दे रहा हूँ। साहब चले गए, फिर हम लोग गए नहीं दोबारा। इस वक्त हमारे साथ चंदौली के एडिशनल SP विनय कुमार सिंह जुड़ गए हैं। सर, समाचार भारत से मिथिलेश कुमार बोल रहा हूँ। एडिशनल साहब, चंदौली में एक गिरोह चल रहा है जो नौकरी दिलाने के नाम पे लोगों से लाखों रुपए का ठगी करता है। आप ऐसा है जी, कृपा करके आप इससे मिल लीजिएगा, वही समाचार हमें बता दीजिए। जिसका नाम प्रशांत सिंह, एक बार तो सुन लीजिए एडिशनल साहब, प्रशांत सिंह है। देखिए, ये थे एडिशनल SP विनय कुमार सिंह, जो समाचार भारत के तीखे सवाल सुन करके इन्होंने फोन काट दिया। तो आखिर में जो पीड़ित हैं, जो लाखों रुपए महाठग प्रशांत सिंह को दिए थे, आखिर उन्हें जो चेक मिला है उनका चेक बाउंस हो रहा है और कई महीनों से सदर कोतवाली SP ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं न्याय के लिए, तो आखिर में उनको न्याय कैसे मिलेगा? तो अब देखना है समाचार भारत पे खबर चलने के बाद महाठग प्रशांत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है या यूं ही लीपापोती करके जो पीड़ित हैं उन्हें ऐसे ही दर दर भटकना पड़ता है।